नगर निगम द्वारा इन दिनों शहर में एक अभियान करने की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत शहर में अब G+3 और इससे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंगों की पार्किंगों को मुफ्त कराने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। पार्किंग के स्थानों पर हुए कब्जों को हटाकर फिर से पार्किंग में तब्दील कराया जाएगा। इससे यातायात की चरमराई व्यवस्था फिर से पटरी पर आ जाएगी। इसके लिए शुरुआत के दौर में 63 इमारतों को नगर निगम ने नोटिस भी जारी कर दिया है, जिससे कि शहर में हड़कंप मच गया है। प्रथम चरण के सर्वे में 136 ऐसी बिल्डिंग है जिसमें पार्किंग की जगह पर अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित पाई गई हैं। निगम का हथौड़ा जल्द ही इन बिल्डिंगों की पार्किंग में अवैध कब्जों को मुक्त कराने के लिए चलाया जाएगा, जिससे कि पार्किंग व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। हालांकि इन इमारतों में पार्किंग के स्थान पर चलने वाली अन्य गतिविधियों को हटाने का एक मौका भी निगम द्वारा लोगों को दिया जाएगा। इसमें नोटिस जारी करने के साथ ही इन्हें 15 से 20 दिन की मोहलत भी दी जाएगी, ताकि वो स्वेच्छा से अपने अपने बाधक निर्माण हटा ले, और अगर ये निर्माण नहीं हटाए जाएंगे तो इन्हें आजाद कराने के लिए निगम का हथौड़ा चलेगा और जनता को पार्किंग उपलब्ध कराई जाएगी। इससे शहर की सड़कों पर खड़े होने वाले वाहनों की संख्या में खासी कमी आएगी। सबसे ज्यादा बिल्डिंगों में धांधली जोन 7 में पाई गई। अब सूची सार्वजनिक होने के बाद जनता को भी ये पता चलेगा कि किस इमारत में नियमों के विरुद्ध पार्किंग के स्थानों पर दुकानें, ऑफिस, रेस्टोरेंट, शोरूम, गोडाउन सहित अन्य कमर्शियल गतिविधियां चल रही हैं। इन्हें हटाकर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। नगर निगम द्वारा अब तक 63 इमारतों को नोटिस जारी किया जा चुका है और इस कार्रवाई से शहर के बिल्डरों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ज्यादातर बिल्डिंगों की पार्किंग में अवैध कब्जे कर लिए गए हैं और रास्तों पर वाहनों की पार्किंग की जाती है और तमाम जगह अतिक्रमण फैलता है। और अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से निगम ने इस दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। निगम द्वारा इन बिल्डरों को जल्द ही नामजद नोटिस जारी किया जा सकता है। इससे सभी के बीच अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। शहर में ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए बिल्डिंगों की पार्किंगों को खाली करवाया जा रहा है, ताकि सड़कों पर गाड़ियां पार्किंग न हो। शहर के प्रमुख बाजारों में बिल्डिंगों की पार्किंग सड़क पर हो जाती है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। क्योंकि ऑफिस, दुकान या कोचिंग है तो दिन भर गाड़ियां खड़ी रहती हैं। इसलिए अब निर्णय लिया गया है कि अगर पार्किंग में निर्माण मिले तो तोड़कर खाली करवाए जाएंगे। नगर निगम द्वारा 19 जोन पर जो नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें साफ ये लिखा है कि आपने क्या गड़बड़ी की है, और उसमें बकायदा संबंधित बिल्डर के नाम से नोटिस जारी हो रहे हैं। इनमें से किस किस को नोटिस जारी किया गया है, भवन के विवरण के अलावा विषय में वर्णित भवन के स्वीकृत पार्किंग स्थल में किए गए अवैधानिक निर्माण के संबंध में। इसके साथ ही भवन में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि भवन निर्माण स्वीकृति का उल्लंघन कर इस तरह के अवैध निर्माण पाएगा, इसका पूरा लेखा जोखा लिखा गया है। इसके बाद उक्त निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस नोटिस में एक और तामिली दिनांक और तामिली समय के साथ ही प्राप्त करने वाले का नाम भी लिया गया है, जबकि दूसरी तरफ भवन अधिकारी जोन क्रमांक भी लिया गया है। इस तरह के अब तक 63 नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि लक्ष्य 136 रखा गया है। इसके बाद नई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सभी को नोटिस जारी किए जाएंगे। शहर की ज्यादातर बिल्डिंगों की स्थिति इसी तरह से खराब चल रही है, जहां पार्किंग में अवैध निर्माण कर वहां अन्य चीजें चलाई जा रही हैं और वाहनों को बाहर पार्क किया जा रहा है, जिससे कि अवैध अतिक्रमण बढ़ रहा है और रोड पर वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जनता इस चीज से काफी परेशान हो जाती है। बिल्डिंगों की पार्किंग को लेकर जो प्राथमिक जाँच की गई है, उनमें 136 सेक्टर चिन्हित किए गए हैं और इनके खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिया गया है और इन्हें कुछ मोहलत दी जाएगी, ताकि ये अपना सामान वहाँ से हटा ले, और अगर इस मोहलत के बावजूद भी अतिक्रमणकारी अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो उन पर निगम द्वारा हथौड़ा चलाया जाएगा और शहर को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और जनता को पार्किंग के लिए जगह मुहैया कराई जाएगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।